गुड मॉर्निंग। आज हम मैथ्स की बुक में वर्क करेंगे। पेज नंबर है 29। 29 पे आज हमारा टॉपिक है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे करते हैं आपको पता है? हमारे पास टू टाइप्स होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं नंबर्स को तो क्या करते हैं? रिवर्स काउंटिंग बोलते हैं। और जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो क्या करते हैं? हम रोड काउंटिंग बोलते हैं। तो आज हमारे पास है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमको क्या, कौन सी काउंटिंग यूज करनी है? रिवर्स काउंटिंग। तो हमारे पास कुछ नंबर्स है। अब ये नंबर्स जो है ये कौन सी लाइन में आते हैं? 1 to 10 की लाइन में आते हैं ना, 3 to 1 4। ठीक है, तो हम रिवर्स काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 10 से। तो हम देखेंगे जो हमारे पास सबसे पहला नंबर आएगा उसको हम यहाँ पे राइट करेंगे, क्योंकि वो हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पे हमको बीट्स भी बता रखे हैं, तो बीट्स के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। तो सबसे पहले हम रिवर्स काउंटिंग करके देख सकते हैं। 10 से स्टार्ट करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। देखो 5 तो है ही नहीं, बट हमारे पास 4 है। हमने 4, तो हमको सबसे पहले यहाँ पे 4 लिखना है। देन रिवर्स बोलो 4 से आगे, 4, 3, 2, 1। ये हमारी रिवर्स काउंटिंग हो गई 4 to 1। और इन नंबर्स को हमने अरेंज कर लिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पे हम बाय पिक्चर भी देख सकते हैं, यहाँ पे कितने बीट्स है? 1, 2, 3, 4। तो हमने यहाँ पे 4 लिखा, 1, 2, 3, तो हमने यहाँ पर 3 लिखा, 1, 2, 2 एंड देन 1। ठीक है, तो ये हमारा 10 to 1 में रिवर्स काउंटिंग हमने करके डिसेंडिंग ऑर्डर में इन नंबर्स को अरेंज कर दिया। इसी तरह से आपको ये वाला और ये वाला भी करना है 10 to 1 रिवर्स काउंटिंग करके। ओके,